मंदिर के अंदर जा रही है भाभी, ये देखिए। खुद शॉपिंग करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हमको नहीं करा रहे। हमको हमको भी कुछ लेना है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करते हैं। देखिए इनकी खूबसूरती का राज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। सो मेरा आज का ब्लॉग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देखा होगा, आज हम लोग जा रहे हैं झरिया का एक मंदिर, जो कि माँ शीतला का मंदिर है, और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, नहा के रेडी हो चुके हैं, और हम और मम्मी जी जा रहे हैं। ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा काम है दुकान का, तो वो धनबाद जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं झरिया दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे वहाँ का मंदिर, और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और ये लोग जा रही है अभी पूजा करने, मम्मी और ज्योति। तो अभी ये मुझे नाश्ता दे रही है, ये देखिए। अभी हम नाश्ता करके हम भी धनबाद निकलेंगे, दुकान जाना है मुझे, काम है वहाँ पर, एसी वगैरह फिट करवाना है, और भी काम है बहुत सारा। तो चलिए अभी मैं तो धनबाद निकल जाऊँगा नाश्ता वगैरह करके, बाकी ये चली जाएगी। चलो जल्दी जल्दी चाय दे दो, रोटी दे दो, कोई सब्जी है। तो गाइस, अभी हम लोग पूजा दुकान में आ गए हैं, अभी पूजा का सामान ले रहे हैं। इधर भाभी, मम्मी, चाची, वो लोग अभी सामान खरीद रहे हैं, और इधर गोलू है, ये देखिए पूजा दुकान, और इधर बाकी गली सब। पूजा का सामान इधर ले लिए हैं, और इधर जा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, झरिया का सब्जी पट्टी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये रहा मंदिर जहाँ पे हमें आना था। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे चप्पल वगैरह सारा कुछ खोल के रख लेते हैं, और ये रहा मंदिर। मम्मी यहाँ बैठी हुई थी, मम्मी बोले उतना दूर हम जाने नहीं सकेंगे। मंदिर के अंदर जा रही है भाभी, ये देखिए। चलिए, अभी पूजा होगा, उसके बाद आप लोग से मिलेंगे। बजरंगबली ये देखिए कितना बड़ा मूर्ति।
तो यहाँ पे एक कुआं भी है, उसको कवर करके रखा गया है। यहाँ पे शायद बलि भी देता है। ये देखिए, फाइनली हमारा पूजा हो गया है और बहुत दिनों के बाद मंदिर आए, और ये वाला मंदिर तो मेरे मतलब फर्स्ट टाइम आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। चारों तरफ घूमे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यू था जो कि आप लोगों ने देखा ब्लॉग में। और इतना ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिलता है ना, मंदिर बोलते हैं ना असली सुकून भगवान के पास ही है। तो चलिए अभी चलते हैं, मम्मी लोग का भी पूजा हो ही गया होगा, अब यहाँ से निकलेंगे। सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं है, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया है। देखें इधर का गेट बंद भी हो चुका है, हम लोग का पूजा हो गया, तो सब कोई आ रहे हैं, अब हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ पे आलू प्याज ले लेते हैं और सब्जी, क्योंकि पापा यहीं से लेके जाते हैं, तो हम यहीं पे आ गए हैं। फाइनली घर आ गए हैं, देखिए इसका खुशी देखिए, इसको ले आए ऊपर, और ये भी है नहीं गए हैं धनबाद, तो उनके लिए ला दिए हैं आलू चिप्स, रोस्टेड काजू, और वो हम अपने लिए लिए मिठाई, और फूल लेके आए गजरा, गजरा लाए हैं, जाएंगे हम रील्स बनाएंगे अभी। और देखिए ये भी क्या क्या ला के रख के गए हैं। आप लोग बोलते हैं कि भैया को कुछ खिलाते नहीं, खिलाते नहीं, देखिए खाते पीते ही रहते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भैया को खिलाइए, मोटे नहीं हो रहे, मोटे नहीं हो रहे हैं। तो उनका जेनेटिक ही बॉडी ऐसा है, मतलब पापा का भी देख सकते हैं वो पतले दुबले हैं, और इनका भी वैसे ही शरीर है, कितना भी खाते हैं इनका मतलब वजन नहीं बढ़ता है, मोटे नहीं होते हैं। तो इतना सारा खाना है, सब ज़्यादातर वही खाते हैं, खाना भी मेरे से ज़्यादा वो खाते हैं, और हम पता नहीं क्यों मोटे लगते हैं, बट हम मोटे नहीं है, कैमरा में लगता होगा, बट ऐसे मोटे नहीं है, पतले ही है। सो गाइस सोचे कि स्टूडियो आएंगे और एक दो रील बनाएंगे, बट गर्मी से देख सकते हैं फेस का क्या हाल हो गया, पूरा मार्केट में धूप में घूमे हैं, बहुत ज़्यादा ही घूम लिए इधर उधर, और अभी फेस पूरा गर्मी से सूज चुका है। तो अभी जाएंगे चेंज करेंगे और वो आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, चलिए व्लॉग पर बने रहिए। तो अभी आगे लंच रेडी कर रहे हैं, इधर देख सकते हैं भिंडी भुजिया बना रहे हैं, उधर चावल बन रहा है, चावल के साथ मटर भी उबल रहा है। जल्दी जल्दी लंच रेडी कर लेते हैं, फिर लंच करेंगे, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किए थे हम लोग। सो गाइस अभी इवनिंग हो चुका है और ये काफ़ी लेट से आए थे 3 बजे, फिर लंच किए, थोड़ा देर हम लोग रेस्ट किए, और अभी नहा वहा के फिर से अभी निकल गए, निकल रहे हैं सॉरी दुकान के लिए। अभी सुबह से लेकर रात तक के दुकान के काम में ही बिजी रहते हैं, तो हम इनके लिए कुछ लाए हैं, तो बहुत सारा चीज़ लाए, बट एक चीज़ लाए जो अभी देंगे खाने का। यस चलो, तो चलिए अभी वो चीज़ भी दे देते हैं और चाय भी दे देते हैं, और फिर ये जाएंगे, जल्दी आ जाना। अब उधर देखिए हम लोग का मोटा मोटा, और हम नया टी शर्ट पहने का ही। हाँ अभी ये वाला टी शर्ट, और इधर देखिए दो शर्ट शॉपिंग लेके आए थे, तो आज पहन लिए वो नया वाला टी शर्ट एकदम ब्लू वाला। खुद शॉपिंग करते ही जा रहे, करते जा रहे हैं, हमको नहीं करा रहे, हमको हमको भी कुछ लेना है। देखिए दोस्तों ऐसे ही करता है, तो लड़की जैसा इनका ठाट है, कितना जो कपड़ा बदल बदल के, और सब वो रूम ये रूम पूरा गंदा कर देते हैं, और हमको साफ करना पड़ता है रोज। देखिए 10 ठो कपड़ा खोल के लास्ट में वही पहने जो रखा हुआ। चल मोटा मोटा भी देख देख के तब से परेशान हो रही, ये आदमी तो क्या जो कर रहा है पता नहीं। देखिए इनकी खूबसूरती का राज, 5 रुपया वाला पॉन्ड्स पाउडर और कुछ नहीं, ठीक। अरे ये लगाते हैं पसीना नहीं होगा इसे। कुछ तो हिडन रहने दो। बहुत कुछ हिडन है, अभी बताने जाएंगे तो। तो चलिए चलिए नीचे चलते हैं। लो खोलो, खुल ची डरा ला, बहुत दिन से बोल रहे हैं आज लाई। देखिए काफी टेस्टी लगता है ये ढोकला, फिर रख लें रात को। सो गाइस ये अभी चले गए हैं दुकान,
ढोकला खा के। उनको बहुत ज़्यादा दिनों से मन कर रहा था खाने का, क्योंकि जब हम घर गए थे तो पापा हमेशा ही मेरे लिए छरिया से ढोकला ला देते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस उधर पड़ता है। तो जब भी मैं घर में रहती हूँ, आज से नहीं बचपन से ही, रोज़ शाम को कुछ ना कुछ ला ही देते हैं, तो उसमें ढोकला मेरा फेवरेट है। तो इनको हम फोटो भेज रहे थे तो बोले हम भी खाएंगे बहुत बार बोले थे। तो इसलिए आज बहुत दिनों के बाद छरिया गए तो इनके लिए स्पेशली ढोकला लेके आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी आंगन में वो चले गए, हम चाय पी रहे हैं, मोटा के साथ खेल रहे हैं। ताकि मोटा क्या अभी चाची लोग कोई है नहीं, तो इधर पूरा बंद है, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। तो इसका मजा हो गया ना, और पता नहीं कब हमारे यहाँ बारिश होगी। मेरा रोटी बन चुका है, ढक दिए हैं, इधर बन रहा है सब्जी, आज बनने वाला है काबली चना और आलू का सब्जी। इधर प्याज बन रहा है, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। इधर मसाला भी पीस के रख लिए, तो फटाफट से अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए सबको ही ब्लॉग देख रहे हैं, पता नहीं किस पैकेज का, सबको ही वहाँ अंदर है आराम, और मोटा इधर है, दादी भी यहाँ यहीं से देख रही है। तो चलिए जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं। तो फाइनली मेरा डिनर बन चुका है, बट अभी तक मैंने डिनर किया नहीं है, क्योंकि ये अभी तक आए नहीं है। टाइम हो चुका है, 9:30 बज चुका है, तो उनका अभी दुकान का बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ चुका है काम का, तो इसीलिए वो थोड़ा लेट से आ रहे हैं। तो उनका मैं वेट कर रही हूँ, वो आएंगे फिर हम लोग दोनों डिनर करेंगे। बाकी सबको इन्हें डिनर कर लिया है, तो उनका ही मैं वेट कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रहा, थक भी गए, फेस से लग भी रहा होगा, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि सुबह से मतलब रेस्ट नहीं किए हैं आज, तो काफ़ी ज़्यादा थका थका सा लग रहा है। तो इसीलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।